हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीपीएस ट्रैवल। और मैं आप सभी का फ्रेंड राहुल शेरावत स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बेल्जियम के आकर्षक शहर ब्रुक्स की यात्रा पर ले जा रहा हूं। अपनी सुंदर नहरों, ऐतिहासिक इमारतों और जीवन शॉपिंग सीन के लिए जाना जाने वाला यह शहर वाकई में सभी के लिए कुछ ना कुछ खास रखता है। आइए मेरे साथ चलें और जानें यहाँ की आकर्षक दुकानों, लोकल बुटीक और छिपे हुए रत्नों के बारे में, जो इस शहर को एक खरीदारी का स्वर्ग बनाते हैं। दोस्तों, कैथेड्रल चर्च से निकलने के बाद अब हम नियर बाय एलिस रेस्टोरेंट पर आ गए हैं, जहां पर मेरी फ्रेंड ज्वलिंदा ने अपने और अपने हस्बैंड के लिए मिंटी ऑर्डर की है और मुझे काफ़ी भूख लग रही है, तो उन्होंने मेरे लिए कैरेट सूप ऑर्डर किया है। हम इंडियंस को तीखा खाना पसंद होता है, पर यहाँ के लोगों को प्लेन फूड ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मुझे कैरेट सूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, बेल्जियम जो है अपनी कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है, जैसे कि चॉकलेट्स, हैंडमेड लेसेस, डायमंड एंड बियर। तो अभी हम स्टार्टिंग की दो चीज़ें यानी कि चॉकलेट्स और होममेड लेसेस को एक्सप्लोर करने जाएंगे इस वीडियो में, और उसके बाद हम देखेंगे हैरी पॉटर थीम पर बने हुए म्यूज़ियम को। अभी हम ब्रुज की एक फेमस बेकरी में एंटर कर रहे हैं, जिसका नाम वेरेके है। इस चॉकलेट शॉप पर आपको ऑलमोस्ट सभी वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स मिलेगी, लाइक डार्क चॉकलेट प्रलीन, जो कि काफ़ी फेमस चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट, नेम लेटर चॉकलेट्स को, हर एक लेटर से जुड़ी आपको चॉकलेट मिल जाएगी। अगर आपके बच्चे कैंडी फ्लेवर्स पसंद करते हैं, तो यहाँ पर कैंडी के डिफरेंट फ्लेवर्स भी ले सकते हैं। सच बताऊँ तो दोस्तों, मैंने आज से पहले इतनी सारी चॉकलेट्स एक साथ कभी नहीं देखी है। मुझे यहाँ कर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं चॉकलेट्स वाले देश में आ गया हूँ। मुझे बचपन से ही चॉकलेट्स का काफ़ी शौक रहा है, और जब भी जुलिंदा मेरे घर पर आती हैं तो उनको मैं बोल देता हूँ कि स्पेशल मेरे लिए चॉकलेट लाना ना बोलें, तो वो मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आती हैं। इसके अलावा अगर हम डिज़ाइन की बात करें, तो आपको हर एक डिज़ाइन की चॉकलेट्स यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि आपको सैंडल चॉकलेट्स चाहिए या लिपस्टिक चॉकलेट चाहिए, नेल पॉलिश, गोल्ड ब्रिक्स, टेबल टेनिस, गेमिंग रिमोट। और इस शॉप पर चॉकलेट के प्राइस 6 यूरो से स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने फ्रेश चॉकलेट्स तैयार होकर आ रही है। दोस्तों, मुझे पता है आपके मुंह में पानी आ गया होगा। अब हम निकल चुके हैं हैरी पॉटर म्यूज़ियम को देखने के लिए। तो ये है हिस्टोरियम ब्रुज म्यूज़ियम, तो चलिए इसको अंदर से देखते हैं। अंदर का एम्बियंस तो काफ़ी कूल है इसका। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक इन्होंने एक पुतला तैयार किया है, जिसके कंधे पर तोता भी रखा हुआ है, और इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी डाले हुए हैं, जिससे इसका हाथ और बॉडी हिल पा रहे हैं। दोस्तों, अब हम फाइनली अंदर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी क्राउड है, काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि हैरी पॉटर फेमस होता है बच्चों के बीच। तो ये देख सकते हैं, आपको हैरी पॉटर से सभी जो आइटम्स आप देख रहे हैं, ये सारे हैरी पॉटर मूवीज़ में आप देख चुके होंगे। तो अगर चाहें तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं और अपने नियर एंड डियर को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मेजरली जो है बच्चों की थीम पर बेस्ड है, तो अंदर मैंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है हैरी पॉटर के अंदर। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनको लेके जा सकते हैं, और उनको ये चाहें तो ये सभी खूबसूरत आइटम उनको दिला सकते हैं। तो अभी हम जस्ट बेसिक चीज़ें इंजॉय कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको लेसेस शॉप के अंदर लेकर जाता हूँ, यहाँ पर जोलिंदा बता रही हैं कि ये किस तरीके से डिज़ाइन बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ निडल्स हैं, तो इनको क्रिस क्रॉस करके इनसे डिज़ाइन बनते हैं। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे आइटम्स हैं, और इनके प्राइजेज इतने ज़्यादा हाई हैं, आई थिंक ये मेरे लिए तो शायद से वैल्यू नहीं रखता, पर जो लोग इसको पसंद करते होंगे उनके लिए शायद से वैल्यूबल होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे आइटम्स हैं और इनके लिए ये लगभग 20 से 25 यूरो पे करना पड़ता है।
तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसका महंगा होने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये सभी आइटम सिर्फ हाथ से तैयार होते हैं और जिसमें काफ़ी टाइम, काफ़ी पेशेंस और काफ़ी आपको इस काम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेसेस भी उन डिज़ाइन में बनाई गई है जो काफ़ी सुंदर लग रही है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस मैं आप तक लेकर आता रहूं।